ये दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तर जी की ट्रिक में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देखे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, APS RO RO का एग्जाम भी 11 फरवरी को है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया। और फ्रेंड, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं कितना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? फ्रेंड, आपको बताना है किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। ये ऑप्शन में किंकर, बी ऑप्शन में केहरी, सी ऑप्शन में केसरी, डी ऑप्शन में मृगेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, यानी किंकर। किंकर किसका है फ्रेंड? ये दास का है, इसे हम नौकर भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये तीनों किसके हैं? ये शेर के पर्याय हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? फ्रेंड, आपको बताना है प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में पाषाण, बी ऑप्शन में पाहन, और सी ऑप्शन में उपल, और डी ऑप्शन में उत्पल। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी उत्पल। उत्पल किसका है? कमल का है। और ये तीनों किसके हैं? प्रस्तर, यानी पत्थर का। तो चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। चांदनी शब्द का पर्यायवाची है? फ्रेंड, आपको बताना है चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में ज्योतिष्मा, बी ऑप्शन में है कौमुदी, सी ऑप्शन में चंद्रिका, और डी ऑप्शन में शुभ्रा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी शुभ्रा। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है? फ्रेंड, आपको बताना है, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें एक वाक्य क्या है अशुद्ध है, वह है। देखते हैं, ए ऑप्शन में मोहन गेहूं पिसवाना पिसवाने चक्की पर गया है, बी ऑप्शन में निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए, सी ऑप्शन में उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, और डी ऑप्शन में उपयुक्त कथन असत्य है, यानी निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी। ये टाइम मिस्टेक फ्रेंड, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सी ऑप्शन में उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी एक दुकान, एक मिठाई नहीं होती है, मिठाई की एक दुकान होती है, मिठाई की एक दुकान। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको बताना है बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए ऑप्शन में कोमलांगी, बी ऑप्शन में सम्मिलित, सी ऑप्शन में उत्कर्षता, और डी ऑप्शन में अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन उत्कृष्टता, यानी इसमें दो प्रत्यय लगे हैं, ये हमारा गलत है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना फ्रेंड शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में ज्योतिषना, बी ऑप्शन में है ज्योतिषना, सी ऑप्शन में ज्योतिषना, और डी ऑप्शन में ज्योतिषना। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन। इसमें तीनों वर्ड क्या है हमारे? आधे हैं, यानी तीनों वर्ड क्या है? जय भी आधा है, और तय भी आधा है, और से भी आधा है। चलिए फ्रेंड, इसे भी ध्यान रखना है। ये वर्तनी वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है और आती भी है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? फ्रेंड, आपको बताना है बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन में है चिन्ह, बी ऑप्शन में विवर्त, सी ऑप्शन में अनुग्रहित, और डी ऑप्शन में बिरहाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड विवर्त। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है फ्रेंड? अनुग्रहित। बिरहेड़ी, बिरहेड़ी इस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है ए ऑप्शन में अमित डैश परिमित,
बी ऑप्शन में सत्कार डैश तिरस्कार, सी ऑप्शन में आच्छादित डैश परच्छन और डी ऑप्शन में सुख डैश दुख। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अग्रज का विलोम शब्द है, यानी अग्रज का विलोम शब्द है ए ऑप्शन में अक्षत, बी ऑप्शन में अतुल, सी ऑप्शन में अनुज और डी ऑप्शन में अटल। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अनुज का अर्थ होता है बाद में जन्म लेने वाला, बाद में जन्म लेने वाला। अग्रज का अर्थ होता है पहले जन्म लेने वाला। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। छलिक का सही विलोम शब्द है, आपको बताना है छलिक का सही विलोम शब्द है ए ऑप्शन में अल्प, बी ऑप्शन में सातवक, सी ऑप्शन में क्षर और डी ऑप्शन में विमुख। तो इसका सही आंसर होता है बी ऑप्शन यानी सातवक। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तद्वत शब्द है ए ऑप्शन में चतुर्दश, बी ऑप्शन में चतुर्थ, सी ऑप्शन में चौदह और डी ऑप्शन में है चतवारी। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ये क्या हमारा तद्भव है, क्या है तद्भव ये, और ये क्या है ये तत्सम है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, आपको बताना फ्रेंड अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीएससी के। ए ऑप्शन में अंदर, बी ऑप्शन में भीतर, सी ऑप्शन में बाहर, डी ऑप्शन में गहरा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी भीतर। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़े का तद्भव रूप है, आपको बताना है कपड़े का तद्भव रूप है ए ऑप्शन में कपट, बी ऑप्शन में कारपेट, सी ऑप्शन में कपूर, डी ऑप्शन में कपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द, यानी बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, आपको बताना है बहुत शब्द का किस प्रकार का विशेषण है। ए ऑप्शन में निश्चित परिणामवाचक विशेषण, बी ऑप्शन में निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी ऑप्शन में तुलनात्मक विशेषण और डी ऑप्शन में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, आपको गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन में वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बी ऑप्शन में वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सी ऑप्शन में मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, डी ऑप्शन में ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन यानी वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सतीश चंचल बालक है इस वाक्य में चंचल शब्द है, फ्रेंड आपको बताना सतीश चंचल बालक है इस वाक्य में चंचल शब्द है। ए ऑप्शन में विधेय विशेषण, बी ऑप्शन में गुणवाचक विशेषण, सी ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण और डी ऑप्शन में प्रे विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन यानी गुणवाचक विशेषण। चंचल क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है यानी गुण बता रहा है। चंचल क्या है, बालक की विशेषता क्या है, गुणवाचक यानी इसका गुण बता रहा है विशेष्य का चंचल। सतीश चंचल बालक है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, यानी आपको बताना है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। ए ऑप्शन में है मान, बी ऑप्शन में मानस, सी ऑप्शन में है मानस और डी ऑप्शन में मनीष। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन यानी मानस। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, इसमें पूछ रहा है मूल शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन में चरित्र, बी ऑप्शन में चित्रण, सी ऑप्शन में चरित्रता और डी ऑप्शन में चारुत्व। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन यानी चरित्र से क्या बना, सॉरी चरित्र क्या है ये मूल शब्द है और इसमें एक प्रत्यय जोड़ा तब विशेषण बना, यानी चरित्र में हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो विशेषण शब्द बना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं।
बिजली का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड, आपको बताना है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में चमक, बी ऑप्शन में सौदामिनी, सी ऑप्शन में प्रकाश और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी सौदामिनी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? फ्रेंड आपको बताना है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड हमें यह ध्यान रखना होता है नहीं पूछा है या है पूछा है, कभी कभी बहुत जल्दी में गलत भी हो जाता है, लेकिन इसे हमें ध्यान रखना होता है। ए ऑप्शन में रमा, बी ऑप्शन में इंदिरा, सी ऑप्शन में कमला और डी ऑप्शन में भारती। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी भारती। ये किसका है? सरस्वती का है। किसका है? सरस्वती का। और तीनों किसके हैं? ये लक्ष्मी के। तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए